आनंद बख्शी, सरल पर असरदार गीतों का वो जादूगर जिसके पिटारे में जीवन के हर रंग के अनुसार गीत थे। उन्होंने अपने 5 दशक के लंबे कैरियर में एक से बढ़कर एक अर्थपूर्ण और कर्णप्रिय गीत लिखे, जिन्हें दर्शक आज भी बड़े चाव से सुनते हैं और उनमें खो जाते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बख्शी साहब के सैकड़ों गीतों में से 10 खास गीत चुनकर लाए हैं। ये गीत सुनने में जितने दिलचस्प हैं, उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प इनके बनने की कहानियां हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 1969 में आई उस फिल्म से जिसने रातों रात राजेश खन्ना को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आराधना की। इस फिल्म का गीत रूप तेरा मस्ताना तो आपको याद ही होगा। जिसमें राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के कुछ बेहद ही अंतरंग दृश्य देखने को मिलते हैं। पर क्या आपको पता है कि आनंद बख्शी साहब ने आखिर इस गीत को लिखने की प्रेरणा कहां से ली थी? दरअसल इसके पीछे भी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। हुआ कुछ यूं था कि एक बार आनंद बख्शी और उनके एक करीबी दोस्त हरि मेहरा बम्बई के खार स्टेशन के पास एक दुकान में पान खाने गए थे। पान खाकर जब वो लौट रहे थे तो रास्ते में एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की जा रही थी। उसे देखकर दोनों में से किसी ने कमेंट किया कि वाह क्या रूप पाया है। इसके कुछ मिनटों बाद आनंद बख्शी फौरन सांता क्रूज के आसपास एक गुलमोहर पेड़ के नीचे गाड़ी रोक दी और हरि मेहरा से कहा कि 10 मिनट तुम बिल्कुल चुपचाप रहना। इसके बाद बख्शी साहब कागज पर कुछ लिखने लगे। कुछ मिनटों बाद जब लिखना पूरा हो गया तो उन्होंने कार आगे बढ़ा दी। हरि मेहरा ने जिद किया कि बख्शी साहब आखिर क्या बात थी, आप क्या लिख रहे थे? उस दिन आनंद बख्शी ने उनसे कहा कि आप कुछ दिन सब्र रखिए, मैं आपको खुद ही सब कुछ बता दूंगा। इसके कुछ समय बाद जब फिल्म आराधना रिलीज हुई तो बख्शी साहब और हरि मेहरा दोनों एक ही साथ उसे देखने पास के थिएटर में गए। फिल्म में जब रूप तेरा मस्ताना गीत आया तो आनंद बख्शी ने हरि मेहरा को बताया कि उस दिन गुलमोहर पेड़ के नीचे जो कुछ भी मैंने लिखा था दरअसल वो यही गाना था। यह सुनकर हरि मेहरा का मुंह खुला का खुला रह गया कि किस तरह राह चलती एक लड़की को देखकर बख्शी साहब ने एक कालजयी गीत की रचना कर दी। अगला किस्सा है साल 1967 में आई सुनील दत्त और नूतन की बेहद यादगार फिल्म मिलन का। इस फिल्म का गीत मुबारक हो सबको समा ये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना। मुबारक हो सबको समाये सुहाना को तो याद ही होगा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन, मुकेश साहब की मार्मिक आवाज और बख्शी साहब के दिल चीर देने वाले शब्द आज भी इस गीत को यादगार बनाए हुए हैं। इस गीत के लिखे जाने की भी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी बम्बई के परेल में स्थित कारदार स्टूडियो से मुगा मंसूलू नामक एक तमिल फिल्म का ट्रायल शो देखकर बाहर निकले। उस दिन तीनों ही बड़े खुश थे क्योंकि इसी तमिल फिल्म को हिंदी में मिलन के नाम से बनाया जा रहा था, जिसके संगीतकार और गीतकार के रूप में उन तीनों को ही चुना गया था। ये साल 1963 की बात है जब तीनों ही फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बहरहाल कारदार स्टूडियो से बाहर निकलकर वो बम्बई के प्रभा देवी में स्थित एक पान की दुकान पर जा रुके। लक्ष्मी जी अक्सर उसी दुकान पर पान खाते थे। आज आनंद बख्शी बेहद ही खुश थे कि एक बड़ी फिल्म में उन तीनों को एक साथ काम करने का मौका मिल रहा है। इस खुशी में वो थोड़े जज्बाती हो गए और दोनों से बोले, मुबारक हो सबको समा ये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना। इतना सुनते ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बोल उठे कि अरे यह तो किसी गाने का मुखड़ा जान पड़ता है। आगे चलकर इन पंक्तियों ने ही मिलन फिल्म के एक गाने का रूप ले लिया। अब आपको अगला किस्सा सुनाते हैं साल 1973 में आई राज कपूर साहब की उस फिल्म का जिसने उन्हें दिवालिया होने से बचा लिया था। अब तक तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया स्टारर फिल्म बॉबी की। यूं तो इस फिल्म के सभी गाने एक से बढ़कर एक थे, लेकिन हम जिस गीत की बात कर रहे हैं उसके बोल हैं, हम तुम एक कमरे में बंद हो। बाहर से कोई अंदर ना आ सके,
राज कपूर ने जब बख्शी साहब को इस फिल्म के गीत लिखने के लिए कहा तो उन्हें खुशी का ठिकाना न रहा। कुछ ही समय बाद एक दिन राज साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ आनंद बख्शी जी को भी म्यूजिक शूटिंग के लिए बुलाया। फिल्म के लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास से बख्शी साहब पहले ही फिल्म की कहानी सुन चुके थे। साथ ही उन्हें इस बात का भी पता चल गया था कि फिल्म का नाम बॉबी रखा जाना है। खैर, उस दिन जब तीनों राज कपूर साहब से मिले तो आनंद बख्शी ने राज कपूर साहब से कहा कि मैंने पहले ही एक अंतराल लिख रखा है, क्या आप उसे सुनना पसंद करेंगे? उत्सुकतावश राज साहब ने कहा कि नेकी और पूछ पूछ फिर क्या था। आनंद बख्शी अपने ही धुन में शुरू हो गए। वो अंतरा कोई और नहीं बल्कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तेरे नैनों की भूल भुलैया में बॉबी खो जाए गीत का मुखड़ा था। ये पंक्तियाँ राज साहब को बेहद ही पसंद आई और उन्होंने बख्शी साहब से कहा कि हालांकि फिल्म में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन हम ऐसा सिचुएशन बनाकर इसे फिल्म में अवश्य शामिल करेंगे। असल में एक कलाकार को अपनी कलाकृति की प्रेरणा कभी भी और कहीं से भी मिल सकती है। ऐसा ही एक प्रेरणा फिल्म अमर प्रेम के गीत चिंगारी भड़के कोई भड़के के लिए आनंद बख्शी साहब को तब मिली जब एक बार वो शक्ति सामंत और राहुल देव बर्मन के साथ बंबई के जुहू में स्थित सन एंड सैंड होटल में चल रहे एक फिल्मी पार्टी से बाहर निकले। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसे में तीनों अपनी अपनी कारों के आने का इंतजार करने लगे। अपनी आदत अनुसार आनंद बख्शी ने झट से एक सिगरेट सुलगा ली और जलती हुई माचिस की तिल्ली को बारिश में फेंक दिया ताकि वो अच्छी तरह से बुझ जाए। तिल्ली जैसे ही पानी में गिरी वो तुरंत ही बुझ गई और उसी पल बख्शी साहब के दिमाग में ख्याल आया कि चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए तो उसे कौन बुझाए। पास ही खड़े शक्तिदा को उन्होंने ये पंक्तियां सुनाई जो कि उन्हें बेहद ही पसंद आई। आगे चलकर शक्ति सामंत ने इसे अपनी फिल्म अमर प्रेम में प्रयोग किया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने बताया था कि बख्शी साहब कभी भी किसी रिकॉर्डिंग के दौरान किसी अन्य के काम में दखल अंदाजी नहीं करते थे। वो बहुत ही खामोश रहने वाले इंसान थे और ऐसे गिने चुने गीतकारों में थे जो हमेशा अपने सभी गानों की रिकॉर्डिंग में मौजूद रहते थे। जब उन्हें लगता था कि गायक उनके शब्दों को ठीक से समझ नहीं पा रहा है तो वो पूरे आत्मविश्वास से अदायगी में बदलाव करने का सुझाव देते, फिर चाहे वो कोई अनुभवी गायक ही क्यों ना हो। लता बताती हैं कि जब मैं चांदनी फिल्म के गीत तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा की रिकॉर्डिंग कर रही थी तो वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मीठे का ठ कोमल नहीं थोड़ा सख्त आना चाहिए। उनके इस छोटे से सुझाव से गाने में जैसे जान आ गई हो। मशहूर फिल्मकार सुभाष घई बताते हैं कि जब मेरी जंग फिल्म के गानों की म्यूजिक सेटिंग चल रही थी तो मैंने बख्शी जी को एक गीत सुनाया जो कुछ यूं थी कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। इतना सुनते ही बख्शी साहब ने तपाक से जवाब दिया, जीत जाएंगे हम अगर तू संग है। कि हमारे पास गाने का मुखड़ा आ गया है। कर्मा फिल्म की म्यूजिक सेटिंग के दौरान जब बख्शी साहब ने हमें एक गाने के बोल पढ़कर सुनाए तो वहाँ उपस्थित सभी लोग बेहद ही जज्बाती हो गए। ये गीत कोई और नहीं बल्कि फिल्म का सर्वाधिक लोकप्रिय गीत दिल दिया है जहाँ भी देंगे ए वतन तेरे लिए था। उस दिन जैसे ही बख्शी साहब ने दिल को मत देने वाला ये गीत खत्म किया, मैं अपने जज्बात नहीं रोक सका और जेब से निकालकर बतौर नजराना उन्हें 100 रुपये का एक नोट दे दिया। मैंने उस नोट पर तारीफ में ये वाक्य लिखा था कि आनंद बख्शी के कलम को मेरा सलाम। शुभकामनाओं के साथ सुभाष घई की कलम। मशहूर फिल्मकार जे ओम प्रकाश बताते हैं कि मैं हमेशा गानों की सेटिंग के दौरान बख्शी जी के साथ अपनी फिल्म की कहानी और पटकथा पर बड़े विस्तार से बात करता था। इंसानी जज्बात की उन्हें बड़ी समझ थी और हमेशा उनके सुझाव बढ़िया हुआ करते थे। साल 1974 की फिल्म आपकी कसम की कहानी सुनने के बाद उन्होंने मुझे बताया था कि उनके करीबी दोस्त ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था कि उसे किसी और से ताल्लुकात होने का शक था। कुछ सालों बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो माफी मांगने उसके पास लौटा ताकि उससे दोबारा शादी कर सके, पर तब तक उस महिला की जिंदगी बदल चुकी थी। उसने किसी और के साथ अपना घर बसा लिया था। बख्शी साहब ने बताया था कि इससे आहत होकर बाद में उनके दोस्त ने खुदकुशी कर ली थी। फिल्म आपकी कसम की स्टोरी लाइन भी कमोबेश ऐसी ही थी और इसी घटना से प्रेरणा लेकर बख्शी साहब ने फिल्म के गीत जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते को लिखा था। फिल्मकार टोनी जुनेजा के अनुसार बख्शी साहब ने उनकी फिल्म मिस्टर नटवरलाल के गीत परदेसिया ये सच्चे पिया को महज 15 मिनटों में ही लिख लिया था।
बख्शी साहब इस दौरान पान भी चबाते रहे और 555 सिगरेट के गहरे गहरे कश भी लेते रहे थे। टोनी कहते हैं कि अमिताभ बच्चन को फिल्म में गाना गवाने का श्रेय भी बख्शी साहब को ही जाता है। वास्तव में जब उन्होंने मेरे पास आओ मेरे दोस्तों गीत को लिखकर पूरा किया और उसकी धुन बनाई गई तो हमारे बीच चर्चा होने लगी कि इस गीत को किससे गवाया जाए। ऐसे में बख्शी साहब ने सुझाव दिया कि क्यों न इस गाने को अमिताभ से ही गवा लिया जाए। उनका कहना था कि जब अमिताभ खुद गाएंगे तो वो ज्यादा आत्मीय लगेगा, वैसे भी वो बच्चों के लिए गाना गा रहे हैं। इस तरह से अमिताभ बच्चन के द्वारा फिल्मों में गाया गया यह पहला गाना बना। तो ये थी आनंद बख्शी के 10 गाने और उनके बनने की दिलचस्प कहानियाँ। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।